गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट. इन फर्स्ट चैप्टर ऑफ कंप्यूटर वी लर्न अबाउट वॉट इज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, वॉट इज कंप्यूटर, वाई डू वी यूज अ कंप्यूटर, वॉट इज इनपुट डिवाइस, वॉट इज प्रोसेसिंग डिवाइस, वॉट इज आउटपुट डिवाइस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क. नाउ इन सेकेंड चैप वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकेंड चैप्टर विच इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. इन दिस चैप्टर वी टेक सम बेसिक नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. लेट्स स्टार्ट आवर सेकेंड चैप्टर फ्रॉम इंट्रोडक्शन. वेन यू सेट योर बॉडी पार्ट्स टू वर्क यू कैन से इट इज़ द हार्डवेयर, एंड वेन यू वर्क अकॉर्डिंग टू योर थिंकिंग स्किल यू कैन से इट इज़ द सॉफ्टवेयर. जब आप अपने बॉडी पार्ट का यूज़ करके कोई भी कार्य करते हो तो उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं. जैसे कि अपने हाथ से कोई सामान उठाते हो, कोई सामान उठा के इधर रखते हो, पैर से चलते हो, तो ये सारा क्या है, अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करके कोई भी तुम कार्य को कर रहे हो, तो वो क्या हो गया हमारा, वो हो गया हमारा हार्डवेयर. बट जब तुम कुछ सोच के अपनी थिंकिंग स्किल से कोई भी कार्य को करते हो तो उसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं. On the basis of thinking process and function of body parts, a computer system can also be divided into two components. कंप्यूटर की जो थिंकिंग प्रोसेस होती है, कंप्यूटर का जो फंक्शन होता है, उस पर कंप्यूटर के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं. कौन कौन से, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो पढ़ते हैं हम लोग कि हार्डवेयर क्या होता है. हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल एलिमेंट ऑफ अ कंप्यूटर. हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल एलिमेंट होता है. जैसे हमारे फिजिकल पार्ट्स होते हैं ना, हैंड हो गया, लेग हो गया, तो उसी तरह कंप्यूटर में भी फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं. तो उस फिजिकल एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, हार्डवेयर करते हैं. दिस इज समटाइम्स कॉल्ड द मशीनरी और इक्विपमेंट ऑफ द कंप्यूटर, जिसे हम लोग कभी कभी मशीनरी भी कहते हैं और इक्विपमेंट ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं. जिस हार्डवेयर क्या होता है बच्चों, की जो भी चीज़ों को कंप्यूटर के जिस जिस पार्ट को हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, अपने हाथों से छू सकते हैं, उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं. और हार्डवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, तो इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर. पढ़ते हैं हम लोग इंटरनल हार्डवेयर क्या होता है. इंटरनल हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ मदरबोर्ड, प्रोसेसर एंड मेमोरी. इंटरनल हार्डवेयर में क्या क्या होता है, तो मदरबोर्ड होता है, प्रोसेसर दैट मीन्स सीपीयू होता है, और मेमोरी होता है. मदरबोर्ड का मतलब हमारा हो गया मॉनिटर. हार्डवेयर इज़ कंपेयर्ड विथ योर बॉडी एंड सॉफ्टवेयर विथ द ब्रेन. हार्डवेयर जो होता है वो हमसे, हमारे बॉडी से कंपेयर होता है, और सॉफ्टवेयर जो होता है हमारे ब्रेन से कंपेयर होता है. जैसे कि मैंने बताया कि जो भी काम तुम अपने हाथ पैर से करोगे वो हार्डवेयर हो गया, और जो अपनी थिंकिंग स्किल से काम करोगे वो हमारा क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया. तो थिंक कहाँ से करते हो तुम, अपने ब्रेन से. तो ब्रेन क्या हो गया हमारा, सॉफ्टवेयर हो गया, और हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो हमारे हार्डवेयर हो गए. इफ़ योर ब्रेन इज़ रिमूव्ड योर बॉडी विल नॉट बी एबल टू फंक्शन एंड बिकम यूजलेस. अगर तुम्हारे शरीर से तुम्हारी ब्रेन को निकाल दिया जाए तो तुम्हारी बॉडी क्या हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी. तुम्हारी बॉडी कोई फंक्शन ही नहीं करेगी. तुम्हारा हाथ भी अगर किसी चीज़ को उठा के इधर से उधर कोई सामान को रखता है तो वो हमारा ब्रेन करवाता है. इसलिए विदाउट ब्रेन हमारा बॉडी कुछ भी नहीं है. उसी तरह विदाउट सॉफ्टवेयर हमारा हार्डवेयर कुछ भी नहीं होता. एक्सटर्नल हार्डवेयर इंक्लूड्स इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ETC. और एक्सटर्नल हार्डवेयर में क्या क्या होते हैं, तो इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं. द कीबोर्ड एंड माउस आर मेन कंपोनेंट्स ऑफ इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस का मेन कंपोनेंट्स कौन सा होता है, तो सबसे ज़्यादा मेन इनपुट डिवाइस में हमारा होता है कीबोर्ड और माउस. इंटरनल हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ मदरबोर्ड, प्रोसेसर और मेमोरी. जो इंटरनल हार्डवेयर है उसमें क्या क्या आते हैं, तो मदरबोर्ड आता है, CPU आता है, और मेमोरी आता है. आगे पढ़ते हैं, लेट अस नो अबाउट सम इनपुट डिवाइस. जैसे कि तुम्हारे इनपुट डिवाइस में तीन चीज़ें तो पता है, मदरबोर्ड क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है, मेमोरी क्या होता है. चैप्टर वन में हम लोग ने पढ़ा था ना, व्हाट इज़ प्रोसेसिंग डिवाइस, और फिर व्हाट इज़ CPU, व्हाट इज़ माउस, व्हाट इज़ अ मोनीटर. अब कुछ और इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे कि लाइट पेन हो गया हमारा, ये भी इनपुट डिवाइस होता है. तो लाइट पेन डिस्प्ले द मेन्यू ऑप्शन
एंड इज यूज्ड फॉर ड्राइंग। लाइट पेन का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग? तो लाइट पेन हमारा क्या करता है, ये मेन्यू ऑप्शन को डिस्प्ले करता है और इसका यूज़ हम लोग ड्राइंग करने में करते हैं। जैसा तुम्हारा पेन होता है ना, लाइट पेन भी उसी की तरह होता है। लाइट पेन का यूज़ करके तुम्हारे स्क्रीन पे अगर कोई भी मेन्यू है तो तुम उसको क्लिक कर सकते हो। तुम उससे, जैसे पेन से तुम ड्राइंग बनाते हो, तो तुम लाइट पेन से अपने कंप्यूटर में ड्राइंग भी बना सकते हो। वी कैन ऑल्सो रिड्यूस और इन लार्ज इमेज एंड ड्राइंग बाई यूजिंग लाइट पेन। और हम लोग लाइट पेन का यूज़ क्यों कर सकते हैं? इमेज को इनलार्ज करने में, मतलब इमेज को बड़ा करने में, इमेज को छोटा करने में, जो तुम्हारी ड्राइंग है उसको बनाने में हम लोग लाइट पेन का यूज़ करते हैं। लाइट पेन दैट यूटिलाइज अ लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन डिस्प्ले स्क्रीन। लाइट पेन क्या करता है, लाइट पेन में क्या क्या होता है? तो कुछ लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होते हैं जो लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होता है, वो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता है या हमारे ड्राइंग करने में हेल्प करता है। कहाँ पे? तो डिस्प्ले स्क्रीन, यानी कि तुम्हारे मदरबोर्ड पे, तुम्हारे मॉनिटर पे। तो लाइट पेन क्या यूटिलाइज़ करता है? ए लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर को यूज़ करता है क्या करने के लिए? तो ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए हमारे डिस्प्ले स्क्रीन से। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी हमारा क्या है? एक इनपुट डिवाइस ही है। जॉयस्टिक हेल्प यू टू मूव द आइटम ऑन द स्क्रीन। जॉयस्टिक का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? आइटम को मूव करने के लिए। मतलब मान लो ये तुम्हारा ये मॉनिटर है, तुम्हारी तुमको इस फिगर को यहाँ करना है, तो हम लोग जॉयस्टिक के थ्रू इसको यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कर सकते हैं। डैट मीन्स कि मूविंग आराम से कर सकते हैं। किससे? तो जॉयस्टिक से। इट इज़ यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम। जॉयस्टिक आर ऑल्सो यूज फॉर कंट्रोलिंग मशीन सच एज क्रेन्स, ट्रक्स, etc. जॉयस्टिक का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? तो हम लोग कंप्यूटर में मेनली गेम खेलने के लिए हम लोग जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। और जॉयस्टिक क्या करता है? कंट्रोलिंग मशीन होता है हमारा जॉयस्टिक। आगे बढ़ते और पढ़ते हैं स्कैनर। स्कैनर भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर रीड्स योर डेटा लाइक वर्ड्स, नंबर, पिक्चर प्रिंटेड ऑन अ पेपर। इट कन्वर्ट्स द डॉक्यूमेंट इंटू डिजिटल इमेज फॉर्म। स्कैनर क्या करता है? कोई भी इमेज हो गया, कोई भी टेक्स्ट हो गया, मान लो तुम्हारी ये पूरी पेज है और इस पेज को तुमको अपने कंप्यूटर में रखना है, डिजिटल फॉर्म में करके रखना है, तो तुम क्या क्या करोगे? इस पेज को पहले स्कैनर के थ्रू हम लोग स्कैन करेंगे, तो इस पेज को ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और हम अपने कंप्यूटर में उसको सेव करके रख लेंगे। तो स्कैनर का मेनली काम यही होता है कि कोई भी इमेज हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी वर्ड हो, कोई भी पेपर हो, उसको स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे कंप्यूटर पर डिस्प्ले कर देता है। माइक्रोफोन क्या होता है? माइक्रोफोन हमारा एक इनपुट डिवाइस ही है। तो माइक्रोफोन सेंड्स वेरियस टाइप ऑफ साउंड इनटू अ कंप्यूटर। माइक्रोफोन क्या करता है? तरह तरह की जो आवाज़ें होती हैं वो हमारे कंप्यूटर में सेंड करता है, कंप्यूटर में भेजता है। माइक्रोफोन आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप एंड साइज इन द मार्केट। माइक्रोफोन जो होता है हमारे मार्केट में बहुत तरह का होता है। ईयरफोन भी जो है तुम्हारा, वो भी माइक्रोफोन ही है। माइक्रोफोन का यूज़ हम लोग क्या करते हैं? आवाज़, मतलब कंप्यूटर में अपनी साउंड्स को डिजिटल फॉर्म में भेजने के लिए माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं। या कंप्यूटर से कोई भी साउंड तुमको डिस्प्ले करनी है, कोई भी साउंड तुमको प्ले करनी है, तो हम लोग माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं। माइक्रोफोन में हम लोग अगर कुछ चीज़ें बोलते हैं तो वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमारे कंप्यूटर में चली जाती है। तो माइक्रोफोन भी क्या है? हमारा एक इनपुट डिवाइस है। आगे बच्चों कल पढ़ेंगे, इनपुट डिवाइस का ही पार्ट है स्पीकर, मॉनिटर, सीडी, डीवीडी, ये हम लोग कल पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।